अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9, माइक्रो आर्किटेक्चर सीरीज पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे कि आर टाइप के इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आर टाइप वन ऑफ द टाइप है आपके RISC-V के अंदर। तो हमने पिछली जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने एक सबसे पहले आई टाइप इम्प्लीमेंट कर ली थी, उसके बाद एस टाइप इम्प्लीमेंट कर ली थी। अब हमारे पास थर्ड टाइप है आर टाइप। आर टाइप होती क्या है बेसिकली? आर टाइप के अंदर है ना, तीन रजिस्टर्स होते हैं, RS1, RS2 और RD। ये टोटली रजिस्टर्स पे बेस होती है। जो पिछले हमने लेक्चर नंबर 9 में किया था, लेक्चर नंबर 7 में जो हमने किया था आई टाइप, उसके अंदर आपके पास RS1 होता है और RD होता है। RS2 की जगह आपके पास इमीजिएट की फील्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास इमीजिएट नहीं होता आपके पास। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर तीनों रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें स्टोर होना है वो भी रजिस्टर है, और जो ऑपरेंड ए है, जो ऑपरेंड बी है, वो भी आपका रजिस्टर होता है। इसका फॉर्मेट इस तरीके से है कि 7 बिट जो आपकी ऑपकोड की होती हैं, उसके बाद RD की 5 बिट होती हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर्स की, फिर FUNC3 होता है जो कि बताता है कि आपने किस तरह की ऑपरेशन परफॉर्म करना है आर टाइप के अंदर, और फिर RS1 की फिर RS2, देन FUNC7। हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि और करना है X4 के अंदर X5 और X6 की जो वैल्यू, उनको और करके X4 में स्टोर कराना है। उसकी जो मशीन लैंग्वेज है या इंस्ट्रक्शन है, वो हमें ये दी हुई है 0062E233। हम ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इसके आर्किटेक्चर में देख लेते हैं कि पिछले जो लेक्चर में हमने आर एस टाइप और आई टाइप की इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट की है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो हाईलाइट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक मक्स ये ऐड हुआ है और एक मक्स ये ऐड हुआ है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके चेक मक्स पहले डिजाइन कर लेते हैं। एक मक्स डिजाइन करेंगे और उसको हम मल्टीपल जगह कॉल कर लेंगे। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और एक मक्स की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। mux.b मक्स में ए बी और आपका एस कॉमा सी। इनपुट 32 बिट का है आपका ए कॉमा बी, और एक इनपुट आपका 1 बिट का है जो कि आपकी सिलेक्शन बिट है एस, और आउटपुट जो है वो आपका 32 बिट है सी। असाइन सी इक्वल टू एस आपका जब 0 होगा तो आपका ए मैप हो जाएगा, आप ए सी में असाइन हो जाएगा ए, और जब S1 होगा तो आपका B असाइन हो जाएगा C में। अब ये हमने मार्क्स डिजाइन कर लिया। अब हम अपने सिंगल साइकिल टॉप कॉपिन कर लेते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं मार्क्स को। और हम चेक कर लेते हैं कि मक्स कहाँ पे कॉल किया गया है या कहाँ पे ऐड किया गया है। रजिस्टर फाइल के बाद ऐड हुआ है एलयू के दरमियान। मक्स मक्स आपका रजिस्टर टू एल यू नाम दे दे ताकि हमें
हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एलयू जो है, मार्क्स जो है वो रजिस्टर और एलयू के दरमियान है। इसकी एक जो पोर्ट है उस पे आपका RD2 मैप है, RD2 टॉप, और आपके बी पे, मक्स के बी पे जो है वो आपकी इमीडिएट है, इमीडिएट एक्सटेंड टॉप, और आपकी जो सिलेक्शन बिट है वो आपकी ALU SRC है। ALU SRC यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे एक इसकी वायर बना लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कितने बिट का है। कंट्रोल यूनिट ALU SRC हमारे पास 1 बिट का है, हमने यहाँ पे वायर क्रिएट की और ALU SRC के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर को ALU SRC से, और वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो आउटपुट है सी सी आपका कनेक्ट हो रहा है सोर्स बी ALU की SRC B, और वो SRC B आपका कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे SRC B। SRC B की एक वायर क्रिएट कर लेते हैं, हमने ALU जो मक्स है रजिस्टर फाइल टू ALU वो हमने इंस्टेंटिएट कर लिया है। अब जो दूसरा मार्क्स है जो के है आपका डेटा मेमोरी टू रजिस्टर फाइल, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। हम ये वाले मार्क्स को कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, डेटा मेमोरी टू रजिस्टर फाइल। और इसकी जो ए है, ए पे आपका ALU रिजल्ट है, ALU रिजल्ट, और जो बी है उस पे रीड डेटा है, और जो उसकी सिलेक्शन बिट है वो रिजल्ट SRC है, रिजल्ट SRC की हम एक वायर क्रिएट कर लेते हैं। ये भी हमारे पास आई थिंक 1 बिट का है जी, रिजल्ट SRC भी 1 बिट का है, तो इसकी वायर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, और जो बी है वो आपका WD3 पे राइट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक आउटपुट का नाम दे देते हैं मार्क्स आउट, मार्क्स आउट रीड डेटा। यहाँ पे रिजल्ट का नाम जो है हम रिजल्ट का नाम दे देते हैं, रिजल्ट। यहाँ पे एक वायर बना लेते हैं रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है आपका राइट बैक होके आपके WD3 पे कनेक्ट होगा, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं WD3। अभी रीड डेटा हुआ हुआ है, तो अब हम रिजल्ट कनेक्ट कर देते हैं।
हमारे सारे कनेक्शंस हो गए, दोनों मॉक्स जो है वो इंस्टेंट क्रिएट हो गए, हम इसको रन कर लेते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है, हमने इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे, हम वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है 00622E233, 00622E233, 62E233, इसको हम रन कर लेते हैं अगेन। यहाँ से एक और शेल खोल के जीटी के वेव खोल लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके हम डम फाइल सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो रीड हो गई है, इसमें जो आपका ए है, A1 जो है मींस के वो X5 है, और A26 XX है, और जो A3 है वो 4 है, X4। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो RD है जो कि वहाँ पे A3 है वो 4 सही आ रहा है, और RS1 5 सही आ रहा है, और जो 6 है RS2 है वो 6 सही आ रहा है। हम यहाँ पे हम डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे 6 और 10 है, मीन्स के RD1 में 6 और RD2 में 10, तो हम इसको वहाँ पे असाइन कर देते हैं रजिस्टर फाइल में जाके। फाइव में हमारे पास था 4 6, वो हमारे पास 10 था, 6 और 10। इसको हम रन कर लेते हैं। W1 यहाँ पे हमारे वहां पे जो 10 था आपका वो ये डेसिमल के अंदर 10 है, और यहाँ पे हम हेक्सा डेसिमल में वैल्यू दे रहे हैं, तो हेक्सा डेसिमल के अंदर यहाँ पे एक जीरो मिस है, तो वहां पे जो आपके पास 10 है वो डेसिमल का 10 है, और यहाँ पे हम एच बता के दे रहे हैं, तो हमें हेक्सा डेसिमल में देना पड़ेगा। हेक्सा डेसिमल के अंदर आपका 10 होता है ए। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो आपका हेक्साडेसिमल में ए है वो डेसिमल के 10 के बराबर होता है, और ऐसे ही जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ई आ रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे दिखाया है वो 14 है, यहाँ पे 14 है, 14 न्यू है कि जो ई होता है वो 14 के बराबर होता है, मीन्स के हमारा आउटपुट सही आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करें अल्टरनेट डी प्रेस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 और 6 को जब हमने और किया तो हमारा 14 आंसर आ रहा है। इस तरीके से हम और भी इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर हम एंड करते हैं, इसमें हमने आर टाइप की इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट की जिसके अंदर एक और की इंस्ट्रक्शन थी वो इम्प्लीमेंट की। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस या अंडरस्टैंडिंग के लिए RISC-V की और भी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे ऐड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रन करके चेक कर सकते हैं वीनस से अपनी वैल्यू कंपेयर करके। थैंक यू।